नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। सप्ताह का हर दिन देवी देवताओं को समर्पित है। शास्त्रों के में प्रतिदिन के कुछ न कुछ नियम भी बताए गए हैं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन धान्य की कोई कमी न हो। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य कई तरह की पूजा पाठ और उपाय करता है। कई बार मेहनत और ईमानदारी के बाद भी पैसों की समस्या बनी रहती है और ऐसे में व्यक्ति कर्ज लेने पर मजबूर हो जाता है। शुक्रवार को ऐसे ही कुछ उपाय करके आप धन की समस्या से निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं कर्ज से छुटकारा पाने के उपायों के बारे में। हर शुक्रवार को नियम पूर्वक गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इससे कर्ज का बोझ जल्द खत्म होने लगता है, घर में समृद्धि आती है। शुक्रवार को रात में स्वच्छ वस्त्र पहने अब कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी का ध्यान कर मानसिक रूप से 108 कमल के पुष्प अर्पित करें। मन में 108 बार एम क्रीम श्रीम अष्ट लक्ष्मी क्रीम सिद्धि मम ग्रह आगच्छा गच्छ नमः स्वाहा मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी जातक पर मेहरबान होती है। शुक्रवार के दिन गोमती चक्र ओम लक्ष्मी नमः मंत्र से अभिमंत्रित कर एक लाल कपड़े में बांध लें। इसे दुकान में किसी गुप्त स्थान पर रखें। मान्यता है कि इससे व्यापार में वृद्धि होती है और कभी कर्ज लेने की नौबत नहीं आती है। शुक्रवार की रात को अष्टलक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक तंगी नहीं आती है। अष्टलक्ष्मी को लाल फूल की माला जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि इस उपाय से धन की कमी नहीं होती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।